Khalistan अलगाववादी नेता निज्जर याद है, जिनकी हत्या कर दी गई थी और कनाडा ने भारत पर उनकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत अमेरिका के अच्छे रिश्ते अब तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है। आप सभी सिख अलगाववादी और सिख फॉर जस्टिस नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को जानते हैं। अमेरिका ने कहा है कि पन्नू को धमकी दी गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी या नहीं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पन्नू की हत्या की साजिश को रोका और उन्हीं लोगों को दोषी ठहराया जो निज्जर की हत्या में शामिल थे। एक आधिकारिक राजनयिक चेतावनी में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की संलिप्तता का भी आरोप लगाया। इससे भारत हैरान रह गया और कहा कि इस तरह की गतिविधि उनकी नीति नहीं है। भारत अब इस मामले की जांच कर रहा है। आश्चर्यजनक है ना? इसके अलावा अमेरिका के अटॉर्नी ने उन लोगों के खिलाफ एक सील बंद अभियोग भी दायर किया है जिन्होंने कथित तौर पर निज्जर की हत्या की और पन्नू की हत्या की साजिश रची। अमेरिकी न्याय विभाग को अभी यह तय करना बाकी है कि क्या अभियोग को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या उन्हें कनाडा द्वारा मामले की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार ने इस विषय पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ऐसी किसी भी हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। भारत सरकार इस मामले की आगे जांच कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले जब निज्जर की हत्या पर भारत कनाडा के बीच बहस चल रही थी तब भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, लेकिन अब भारत अमेरिका संबंधों में समस्या आ रही है।